बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और मैंने आपसे पिछले लेक्चर में भी कहा था, काइंडली अपने ये लेक्चर साथ साथ सुनिएगा, क्योंकि जब तक इसमें मुझे पीछे का नहीं पता चलेगा तो मुझे आगे की मैं पढ़ाऊँगी तो आपको वो उस तरह से समझ नहीं आएगा। ठीक है, जो मैंने गेट्स आपको गेट के बारे में बताया था और जो पीछे क्रचेस, ये बहुत ज़्यादा लिंक्ड और ज़रा थोड़ा सा टेक्निकल से ये टॉपिक हैं वॉकिंग गेट्स वाला, इसी वजह से मैंने इसे एंड के लिए रखा हुआ था इसको। और अभी हो सकता है कि आप लोगों को ये उस तरह से समझ आ रहा हो, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अगर इसके अंदर नो डाउट इसके अंदर क्यूरीज होंगी, ये मुझे पहले से ही पता है आप लोगों को इसके अंदर थोड़े से मसला होगा, क्योंकि ये लैब एक्टिविटी के ऊपर है और हम फिज़िकली क्लास में प्रेजेंट नहीं है, तो अभी लैब एक्टिविटी हो नहीं सकती, लेकिन जो ही आपका फर्स्ट हम ओपन होगा, कॉलेज ओपन होगा, तो लैब में आपको ये मैं बकायदा जब करके दिखाऊंगी, देन आपको उस वक्त आप कहेंगे ओ इतना इजी था ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। तो जब लेकिन जब ये मैं ये इस डिपेंड किस पे करता है, लैब एक्टिविटी पे करता है ये। ठीक है, थोड़ी सी इसके साथ आपको वो मैं क्रचिस से आपको वॉक करके दिखाऊंगी, आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्रचिस से वॉक कैसे है, क्रेन से कैसे वॉक है, वॉकर से कैसे चलते हैं। ठीक है, तो आज जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 36, लास्ट में हमने एक्सिलरी क्रचेस पढ़े थे और आज हम पढ़ेंगे एल्बो क्रचेस। एल्बो क्रचेस फोरआर्म क्रचेस भी कहते हैं। ठीक है, और एल्बो क्रचेस में फोरआर्म क्रचेस, लोफ स्टैंड क्रचेस भी इन्हें कहते हैं, कनेडियन क्रचेस। ठीक है, ये एक ही नाम है। ठीक है, जब एल्बो क्रच वही होता है कि वो एल्बो के ऊपर से स्टार्ट होता है और वही क्रच की जब थोड़ी सी आप एडजस्टमेंट कर देते हैं तो वो फोरआर्म पर आ जाता है, तो ये मोर लाइक ये सेम ही होते हैं। ठीक है, ये किन पेशेंट्स के लिए, फॉर पेशेंट्स विद गुड बैलेंस, जिनका बैलेंस गुड है और उनकी ठीक है स्ट्रांग आर्म है, वेट ट्रांसमिटेड इन सेम वेज एज फॉर द एक्सिलरी क्रचेस। ठीक है, और ये किस लिए है, मेड ऑफ मेटल, ये मेटल के बने हुए हैं। ठीक है, मेटल और प्लास्टिक, इनका जो इनका ये मेड ऑफ मेटल है और ये जो कफ है, ठीक है, जो आपके फोर आर्म पर आएगा, ये जो आपको इस पिक्चर में नजर भी आ रहा होगा सबसे ऊपर, फोर आर्म बैंड जो है ये प्लास्टिक का बना हो सकता है और ये मेटल का भी हो सकता है। ठीक है, सो ये क्या एडजस्टेबल है, इसमें एडजस्टेबल क्या है, वो नीचे मेटल बटन होता है, नीचे यहाँ पे स्टिक में आपको होल्स नजर आएंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने अपनी लैब में देखा हो तो होल्स नजर आएंगे, उससे हम फिर क्या करते हैं, इनकी लेंथ को हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इनकी लेंथ कैसे 29 to 30 इंचेस होनी चाहिए। ठीक है, 29 to 35 इंचेस तक एडजस्ट हो सकती है, और दूसरी 74 to 89 सेंटीमीटर। ठीक है, वही इंचेस को उन्होंने सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट किया हुआ है। और रबर फेरल क्या है, ये जो नीचे रबर फेरल लगा होता है। ठीक है, सो क्या है, ये मेटल का बना हुआ है। ठीक है, और इसके जो फोरआर्म बैंड है या फोरआर्म कफ है, वो मेटल का भी हो सकता है, वो कफ किसका हो सकता है, वो प्लास्टिक का भी हो सकता है, और ये एडजस्टेबल है। ठीक है, इसकी जो लेंथ है ठीक है, इनकी एडजस्टेबल जो है वो लेंथ है, और ये मेटल बटन होता है, इसे हम प्रेस करते हैं तो वो हम इसे होल से ऊपर कर सकते हैं। ठीक है, और इसे नीचे भी कर सकते हैं, जिस तरह वो स्टिक्स को एडजस्ट करते हैं, सेम इज द केस फॉर क्रचेस। ठीक है, ये अगर आपको इस पिक्चर में नजर आ रहा है, राइट साइड पर देखें, सॉरी लेफ्ट साइड पर देखें, आपको हल्का सा दरमियान वाली दो पिक्चर्स में एक बटन सा नजर आ रहा होगा, बिल्कुल ब्लर है लेकिन बटन है, उससे दरअसल प्रेस करते हैं तो फिर आप ऊपर स्लाइड कर सकते हैं ऊपर, जो ठीक है, जो इस बड़ी भी हो सकती है ये क्रच और छोटी भी हो सकती है। एडवांटेजेस क्या है, फोर आर्म कफ अलाउज यूज ऑफ हैंड, सारी बातें देखें, ये फोर आर्म कफ जो है आप इसे अपना हैंड ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, इजीली एडजस्टेड एंड अलाउज फंक्शनल स्टेयर क्लाइंबिंग, ठीक है, उसके अंदर यूज हो सकता है, मोस्ट फंक्शनल फॉर पेशेंट्स विद बायलेटरल KAFOs। KAFOs क्या है, KAFOs होते हैं नी एंकल फुट ऑर्थोसिस। ठीक है, ये इंस्टेबिलिटी अगर कुछ लोगों में होती है या उनकी मोबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, ये KAFOs लगा दिए जाते हैं, तो ठीक है, ये ऑर्थोसिस है, या पढ़ेंगे अपने 7-8 सेमेस्टर में जाके, ऑर्थोसिस आपका एक सब्जेक्ट भी होगा, तो मैं आपको वैसे बता देती हूँ ये KAFOs क्या है, नी एंकल फुट ऑर्थोसिस है। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कि वो इस तरह करके जूते की तरह पहनते हैं कुछ लोग, ठीक है, और फिर कफ से बंद कर लेते हैं उसे, नी एंकल फुट ऑर्थोसिस। वो क्यों लगाए जाते हैं, ताकि पेशेंट में अगर कोई ठीक है, कोई उसकी मोबिलिटी को कंट्रोल करना हो, कोई इम्पेयरमेंट है किसी, तो वो ऑर्थोसिस दे दिए जाते हैं। ठीक है,
तो उन पेशे जिन्होंने वो पहने होते हैं उनके लिए क्या है, बहुत यूज़ है कि वो इससे बहुत अच्छे तरीके से चल सकते हैं, जिनमें जिन्होंने नी, एंकल, फुट और सोसिस लगाया हुआ है, बाइलेटरल लगे हुए हैं दोनों तरफ, लगे हुए हैं टांगों पर, तो वो जो फोर आर्म क्रचेस हैं उससे आसानी से चल सकते हैं, उनके लिए बहुत ये यूज़फुल है। यूजिंग फोर आर्म क्रचेस रिक्वायर नो मोर एनर्जी, ठीक है, इंक्रीज ऑक्सीजन कंजम्पशन कंजम्पशन और हार्ट रेट देन एक्सिलरी क्रचेस। एक्सिलरी क्रचेस में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है। जाहिर बात है पूरा आपको अपना फॉरवर्ड बॉडी, जो आपकी अपर बॉडी है वो आपका वेट प्रोपेल करती है फॉरवर्ड, ठीक है, आप नीचे से भी मूव कर रहे होते हैं, आप ऊपर से भी मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, उसमें इसमें थोड़ा एनर्जी कम है, कम कंज्यूम और लग रही है एज कम्पेयर टू एक्सिलरी क्रचेस, और आपका हार्ट रेट, जाहिर बात है जब एनर्जी ज़्यादा होगी तो आपके हार्ट पर डिमांड ज़्यादा होगी, आपका हार्ट रेट भी इंक्रीज होगा। सो देर इज नो रिस्क ऑफ इंजरी टू द न्यूरोमस्कुलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है। जिस तरह एक्सिलरी क्रचेस में हमने देखा रेडियल और मीडियन नर्व की का डैमेज हो जाता है, इसके अंदर वो चीज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या है, लेस लेटरल सपोर्ट है, और जाहिर बात है वो उन ज़्यादा जिन लोगों के अंदर इम्पेयरमेंट ज़्यादा है, तो एक्सिलरी क्रचेस है, जिनका बैलेंस कुछ बेहतर है उनके लिए ये फोर आर्म क्रच होगा ना। सो लेस लेटरल सपोर्ट है, इसका डिसएडवांटेज ये है कफ्स में भी डिफिकल्ट टू रिमूव, ठीक है, कफ्स कभी कभी रिमूव करना मुश्किल होता है। दे रिक्वायर गुड स्टैंडिंग बैलेंस, आपका स्टैंडिंग बैलेंस बहुत अच्छा होना चाहिए और अपर बॉडी स्ट्रेंथ भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये है डिसएडवांटेज कि जिनकी ये अच्छी नहीं होगी, स्टैंडिंग बैलेंस नहीं अच्छा होगा और अपर बॉडी की स्ट्रेंथ नहीं अच्छी होगी, उनके लिए मसला हो सकता है। और जेरियाट्रिक पेशेंट्स इनसिक्योर फील करते हैं इसके अंदर, ठीक है, वो उनके लिए ये उन्हें लगता है कि हम गिर जाएंगे, ठीक है, वैसे ही उन्हें वीकनेस हुई होती है, वैसे ही जेरियाट्रिक यानी कि जो बूढ़े लोग हैं, ठीक है, जेरियाट्रिक बूढ़े लोगों को कहते हैं, तो उनके लिए मुश्किल होता है ये इससे चलना, उनके लिए वैसे एक्सिलरी क्रचेस से भी चलना मुश्किल होता है। वो मैं आपको एक पिक्चर सेंड करूंगी, पिक्चर एक मैं डालूंगी जब हम सब ये पढ़ लेंगे, फिर मैं आप लोगों से पूछूंगी कि आप बताएं कि सबसे स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, वॉकर, मैं उसमें बताऊंगी वॉकर, पैरेलल बार्स, केन्स, क्रचेस, फिर आप मुझे बताएं कि स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा इसकी है, फिर लेवल आहिस्ता आहिस्ता कि किस तरह से डिफिकल्ट हो रहा है, ठीक है, ये मैं आप लोगों से पूछूंगी, तो ये गौर से मेरे लेक्चर्स को सुने। अच्छा, अब एल्बो क्रचेस जिसे हम क्या कहते हैं, लूफ स्ट्रेंथ क्रचेस भी कहते हैं, कैनेडियन फोर आर्म क्रचेस एक ही चीज़ के नाम है। इनके मेजरमेंट कैसे लेते हैं, लाइन में पेशेंट इन लाइन पोजीशन विद शू ऑन, ठीक है, एल्बो स्लाइटली फ्लेक्स्ड 15 डिग्री तक, और फिर आपने क्या करना है कि पेशेंट लेटा हुआ है और उसका जूते उसने पहने हुए, ठीक है, विद शू ऑन, और एक हम सपोर्टेड स्टैंडिंग के साथ लेते हैं इनकी एल्बो क्रचेस की जो मेजरमेंट है। आपने क्या करना है, अल्नर स्टीरॉयड प्रोसेस, अल्नर जो आपका अल्नर स्टीरॉयड प्रोसेस है वहां से लेकर 20 सेंटीमीटर लेटरल टू हील, ठीक है, ये इसकी मेजरमेंट है, अल्नर स्टीरॉयड प्रोसेस टू 20 सेंटीमीटर लेटरल टू हील, वंस पेशेंट इज स्टैंडिंग विद सपोर्ट द लेंथ। फिर उसके बाद क्या है कि लाइन में आपने ये पोजीशन चेक कर ली, लाइन में आपने देख लेना है कि पेशेंट के जूते पहने हुए हैं, ठीक है, उसकी एल्बो है वो क्या होनी चाहिए, स्लाइटली फ्लेक्स्ड होनी चाहिए 15 डिग्री, जो ही हमने एक्सिलरी क्रचेस में भी जो पढ़ा था, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, अल्नर स्टीरॉयड से आपने जो 220 सेंटीमीटर लेटरल हील तक उसकी वो ये आपको मेमोराइज करना है, ठीक है, ये 15 डिग्री 20 सेंटीमीटर लेटरल टू हील ये आपको मेमोराइज करने एज इट इज, और ये जब आपके ऑर्थो ये मैंने आपको बताया था ये मेजरमेंट बेसिकली कौन लेते हैं, ये हम लोग नहीं लेते, ये लेते हैं ऑर्थोटिक्स जो ऑर्थोटिस्ट होते हैं, जो ये बनाते हैं क्रचेस बनाते हैं, जो ये चीज़ें डिज़ाइन करते हैं, बेसिकली ऑर्थोटिक वर्कशॉप होती है उधर, वो ये मेजरमेंट्स लेते हैं। लेकिन आपके ऑन पे क्या है कि आपने ये चीज़ें याद करनी है, ये आपने ठीक है, ये इसे मेमोराइज करना है आपने, तो इस वजह से मैं इसे थोड़ा थोड़ा लेकर चल रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं, और काइंडली पिछले बारे लेक्चर्स सुने तो मुझे फ़ौरन बताना है कि हमने सुन लिया है और हमें समझ आ गई है। फिर जब आपने इस तरह मेजरमेंट कर ली, फिर आपने पेशेंट को खड़ा करना है, और खड़े करने के लिए आप दोबारा उसकी लेंथ को चेक करेंगे, ठीक है, ये हो गया हमारी लाइन में मेजरमेंट। देन हमारी सपोर्टेड स्टैंडिंग, इसमें आपने क्या करना है, आपने एल्बो से क्या है, एल्बो 1 या 1.5 इंच बिलो एल्बो, ठीक है, एल्बो से आपने क्या करना है 1 या 1.5, ठीक है, 2 इंचेस, ठीक है, आपने क्या करना है 1 to 1.5 इंच,
1.5 इंच आप एल्बो से नीचे से मेजर करना स्टार्ट करेंगे और कहाँ करेंगे, डिस्टल एंड एट अ पॉइंट 2 इंचेस लेटरल, और वो क्या होना चाहिए 6 इंचेस इंटीरियर टू फीट, ठीक है, 1.5 इंच बिलो एल्बो, और कहाँ तक जाना चाहिए आपका टू द टू डिस्टल एंड एट अ पॉइंट 2 इंचेस लेटरल एंड 6 इंचेस इंटीरियर टू योर फुट जो पेशेंट होगा उसके, और शोल्डर्स आपके रिलैक्स होने चाहिए, और उस पे जो एल्बो पे फ्लेक्शन है वो कितनी होनी चाहिए, 20 टू 30 डिग्री फ्लेक्शन मेंटेन होनी चाहिए, और कफ प्लेसमेंट क्या है, प्रॉक्सिमल थर्ड ऑफ द फोर आर्म पर होनी चाहिए जब आप स्टैंडिंग सपोर्टेड स्टैंडिंग पर कर रहे हैं, ठीक है। कफ प्लेसमेंट कैसे होनी चाहिए, अप्रॉक्सिमल आपकी प्लेसमेंट एट द प्रॉक्सिमल थर्ड ऑफ फोर आर्म, ओके। गटर क्रचेस जैसे आपको आप देख भी रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, इन्होंने एक एडिशनल सपोर्ट आपकी फोर आर्म को प्रोवाइड की हुई है, ठीक है, इसे प्लेटफॉर्म क्रचेस भी कहते हैं, अगर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ लेकिन आपको पता होना चाहिए, गटर क्रचेस को ऑर्थोटिक क्रचेस भी कहते हैं, फोर आर्म सपोर्ट क्रचेस, ठीक है, फोर आर्म क्रच नहीं है, फोर आर्म सपोर्ट क्रचेस या प्लेटफॉर्म, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म ही देखें एक बेस सी मिली हुई है उसे कैसे, तो ये एक इसे प्लेटफॉर्म क्रचेस भी कहते हैं, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ मेटल विद पैडेड फोर आर्म सपोर्ट, ठीक है, मेटल है लेकिन अंदर ये जो आपको स्किन सा नजर आ रहा है ये पैडेड फोर आर्म सपोर्ट है इसकी, और इसका हैंड पीस वो क्या है, हैंड पीस जहां पे हैंड आ रहा है वो क्या एडजस्टेबल है, आगे पीछे आप एडजस्ट कर सकते हैं जितनी वो लेंथ है आपकी फोर आर्म की, जाहिर बात है उसके हिसाब से, और रबर फेरल ये जो नीचे लगा हुआ है, ठीक है, रबर फेरल, और ये किन पेशेंट्स में यूज होता है, रूमेटाइड आर्थराइटिस जिन लोगों को होता है, रूमेटाइड आर्थराइटिस मैंने आपको बताया था, ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीज है, इसके अंदर क्या हो जाते हैं बेसिकली विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफॉर्मिटीज बेसिकली बनना स्टार्ट हो जाती है, जैसे शोल्डर है, ये मैं इस वैसे ही आपको अलावा इसके बता रही हूँ कि शोल्डर में क्या हो जाते हैं एडिजन्स अंदर, फिर जब ये डिजीज प्रोग्रेस करती है तो एडिजन्स बनने लग जाती हैं, होती है स्टार्ट स्मॉल जॉइंट्स से है लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब प्रोग्रेस करती है तो ये लार्ज जॉइंट्स को भी इन्वॉल्व कर लेती है, वैसे स्मॉल जॉइंट्स रिस्ट में, ठीक है, और फिंगर्स के जॉइंट ऐसे स्मॉल जॉइंट्स में स्टार्ट होगी, उसके बाद जब ये बड़े बड़े जॉइंट्स पे आ जाती है, फिर जब ये प्रोग्रेस करती है तो क्या हो जाता है आपकी जो जॉइंट्स हैं एडिजन्स बन जाती हैं उसके अंदर, और उनकी जो रेंज ऑफ मोशन है वो लिमिटेड हो जाती है, जब रेंज ऑफ मोशन लिमिटेड होगी तो जाहिर बात है मसल्स अपना उस तरह से वर्क परफॉर्म नहीं करेंगे, मसल्स जाहिर बात है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आपका जॉइंट आपकी बोन उसी की वजह से मूव कर रही है ना, ठीक है, मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया बोन सामने आ गई फिर रिलैक्स किया तो, ठीक है, तो क्या हो जाते हैं मसल वीकनेस हो जाएगी, जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन कम हो जाएगी, और इसकी वजह से क्या हो जाते हैं आपके कॉन्ट्रेक्चर्स भी बन जाते हैं, जब आपका एक पोजीशन में बाजू पड़ा ही हुआ है महीनों से पड़ा हुआ है तो जाहिर बात है उसी जगह पे कॉन्ट्रेक्चर बन जाएंगे, ठीक है। सो ये होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, तो इसमें क्या है उन पेशेंट्स को क्या होता है हु रिक्वायर सपोर्ट कैन टेक वेट थ्रू हैंड्स रिस्ट एंड एल्बो बिकॉज ऑफ डिफॉर्मिटी पेन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसके एल्बो पे डिफॉर्मिटी बनी हुई है, यहाँ पे इसके बाइसेप्स जो बाइसेप्स हैं, ठीक है, ब्रेकियोरेडियलिस आ रहा है, बाइसेप्स ब्रेकियाई ब्रेकियलिस, ये सारे जो मसल्स हैं इनका क्या हो गया कॉन्ट्रेक्चर बन गया, अब वो आर्म इसकी इधर इतनी ऐसी ही उसकी पोजीशन बन गई है, ठीक है, डिफॉर्मिटी बन गई है, तो क्या हो जाता है सपोर्ट वो वेट इधर से ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, इसके थ्रू, और इसकी लेंथ भी एडजस्टेबल है, ठीक है, जिसी तरह ये आपको स्लाइड से होल्स नजर आ रहे होंगे उसी तरह जिस तरह मेटल बटन मैंने आपको बताया उसे आप ऊपर नीचे करेंगे तो इसकी लेंथ एडजस्टेबल है, ठीक है, एडजस्ट, और फोरआर्म सपोर्ट भी एडजस्टेबल है, हैंड पीस भी है जो इसका एडजस्टेबल है, और जो एंगल है हैंड पीस का वो ठीक है इसी हिसाब से एडजस्ट होते हैं, ये सब चीजें जो सपोर्ट है ये हैंड पीस का एंगल इसी हिसाब से एडजस्ट होता है कि डिफॉर्मिटी को देखें, जिस तरह की डिफॉर्मिटी है जितनी डिफॉर्मिटी है जितना अलाउ कर रही है आपकी, फॉर एग्जाम्पल के फोरआर्म और आपकी जो अपर एक्सट्रीमिटी है वो अलाउ कर रही है कि सिर्फ इतना ही यहां तक बाजू से आगे पीछे नहीं जा सकती तो हैंड पीस आप उधर तक एडजस्ट कर सकते हैं। सो पेशेंट विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस मे अलाउ हिप एंड नीज टू फ्लेक्स इन वेट बेयरिंग बिकॉज ऑफ मसल वीकनेस, ठीक है, वही बात मैं कह रही हूँ, जैसे हिप और नी की फ्लेक्शन हुई हुई है मसल वीकनेस की वजह से, ठीक है, वो आगे उसे मूव नहीं कर सक रहे, तो इसमें क्या होता है गटर क्रचेस के थ्रू जब आप वो करेंगे तो हो सकता है कि आपको गटर क्रचेस के थ्रू आपकी थोड़ी सी एक्सटेंशन मेंटेन हो जाए उसमें, कैसे, बट विद गटर क्रचेस फॉर स्पोर्ट ही मे बी एबल टू ऑब्टेन मोर एक्सटेंशन, जैसे फॉर एग्जांपल अभी उस पेशेंट की अगर इस पिक्चर को हम देखें अभी जिस तरह इसकी पोजीशन बनी हुई है, ठीक है, अगर हम उसकी एडजस्टमेंट करें
ठीक है, तो थोड़ी सी आप एडजस्टमेंट, जिसके हैंड पीस की फोर आर्म जो वो सपोर्ट है उसकी एडजस्टमेंट करें, तो थोड़ी सी हम एल्बो पे एक्सटेंशन भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे मैं पिक्चर में आपको बता सिर्फ एल्बो का सकती हूँ, तो इस वजह से मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ आ जाए। तो एल्बो एक्सटेंशन हम थोड़ी सी, लेकिन हम एडजस्टमेंट करेंगे उसके अंदर, ठीक है, इसके हैंड पीस फोर आर्म सपोर्ट में एडजस्टमेंट करेंगे तो एक्सटेंशन भी कुछ ऑब्टेन हो सकती है। अच्छा, अब इसकी मेजरमेंट ऑफ लेंथ कैसे है इन स्टैंडिंग एसेसिस रिक्वायर्ड लेंथ फ्रॉम, ठीक है, कैसे करते हैं आप लेंथ एल्बो से लेके फ्लोर तक आप इसकी लेंथ असेस करेंगे स्टैंडिंग पोजिशन में। लाइंग विद शू ऑन फ्रॉम फ्लेक्स्ड एल्बो टू 20 सेंटीमीटर लेटरल टू हील, ठीक है, फ्लेक्स्ड एल्बो से 20 सेंटीमीटर लेटरल टू हील आपने इसकी लाइंग में हम मेजरमेंट करेंगे जब। एडवांटेजेस क्या है, सिमिलर टू, ठीक है, एल्बो क्रचेज हैं और दीज आर इजिली एडजस्टेबल, मोर कॉस्मेटिक देन अदर क्रचेस, ठीक है। वो ये कह रहे कि जिस तरह एक्सिलरी क्रचेज हैं, थोड़ा सा वो पेशेंट कहते हैं कि नहीं हमारा पोस्चर भी खराब हो रहा है इसके अंदर, एक्सिलरी क्रचेज जो होते हैं उनके थोड़े से कंधे ऊंचे हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे उनकी एक पोस्चर थोड़ा सा अलहदा सा बन जाता है, तो ये उस लिहाज से कह रहे हैं कि थोड़े से कॉस्मेटिकली जो ये वाले क्रचेज हैं वो बाकी क्रचेज से जरा बेहतर है। डिसएडवांटेजेस क्या है, प्रोवाइड लेस लेटरल सपोर्ट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एक्सिलरी पैड, ठीक है, तो उन्हीं लोगों के लिए ये यूज हो सकते हैं जिनके अंदर आपकी टांगों की स्टेबिल, टांगे अच्छी हों, ठीक है, स्टेबल हों, उनके अंदर उनकी अच्छी मसल्स हों। कफ में भी डिफिकल्ट टू रिमूव, वही जो फोरआर्म में मसला है, और ये थोड़े एक्सपेंसिव है, ठीक है। अच्छा, प्रिपरेशन फॉर क्रच वॉकिंग, वॉकिंग अगर हम देखें तो हमने सबसे पहले जाहिर बात है क्रच वॉकिंग के लिए आपको तैयार करना है कि सबसे पहले ये ना हो कि बंदे की अपर एक्सट्रीमिटी इतनी वीक हो और उसे कहीं क्रच से वॉक करे, वो कर ही नहीं सकेगा, ठीक है। अब उसने क्रच पे वेट ट्रांसफर करना है, फिर क्रच पे वेट ट्रांसफर करके वो अपने आप को आगे लेकर जा रहा है, तो उसके क्या होने चाहिए, उसके मसल्स अच्छे होने चाहिए, शोल्डर के डिप्रेसर्स, पावर ऑफ एक्सटेंसर्स, एडक्टर्स ऑफ द शोल्डर एंड एक्सटेंसर्स ऑफ द एल्बो मस्ट बी असेस्ड। आप सबसे पहले क्रच वॉकिंग से पहले ये सब असेस करेंगे, एक्सटेंसर्स, एडक्टर्स ऑफ शोल्डर, एक्सटेंसर्स ऑफ एल्बो, और अगर ये स्ट्रेंथनिंग नहीं है, ये वीक है, तो इनकी आप क्या करेंगे, स्ट्रेंथनिंग इनकी करवाएंगे, ठीक है। और हैंड ग्रिप आप भी देखेंगे कि बंदे की हैंड ग्रिप के किसी चीज को ग्रिप करने की उसकी कितनी पावर है, अगर उस वो नहीं है तो ठीक है, फिर आप जो हैंड के जो पाम के मसल्स हैं उनकी आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस वगैरह करवाएंगे, ठीक है, ताकि हम तो कह देंगे क्रच वॉकिंग करनी है, ठीक है, लेकिन जब तक बंदे के अंदर मसल्स ही अच्छे नहीं होंगे, उसके स्ट्रेंथनिंग ही नहीं होगी, मसल्स बेहतर, अच्छी पावर ही नहीं होगी उनके अंदर, तो वो कैसे क्रच वॉकिंग कर सकता है। अब लेग्स, ठीक है, लेग्स नॉन वेट बियरिंग, ठीक है, नॉन वेट बियरिंग में यानी कि अभी आप उन पे वेट नहीं डाला हुआ, आपने क्या कुछ असेस करना है उसके अंदर, मोबिलिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ अनअफेक्टेड लेग शुड बी असेस्ड। अनअफेक्टेड लेग की क्यों असेस करनी है, क्योंकि जाहिर बात है उसके ऊपर उस जो अफेक्टेड लेग है, ठीक है। अच्छा, मैं अब आपको क्योंकि आगे ये मैं आपको बता दूं, आगे यही वाली टर्म्स यूज होंगी, अनअफेक्टेड लेग यानी कि जो मुतासरा लेग है, जो इंजर्ड लेग है, जिसमें प्रॉब्लम है, सॉरी, जिस अनअफेक्टेड लेग जो कि बिल्कुल सही सलामत लेग है, उसके अंदर मसला नहीं है, उसे अनअफेक्टेड लेग या गुड लेग आगे उसके लिए वर्ड यूज हो सकता है, ठीक है। और अफेक्टेड लेग यानी कि जिसमें प्रॉब्लम है, इंजर्ड है वो लेग, ठीक है, या वो बैड लेग हम उसे कहेंगे आगे कुछ पिक्चर्स में, बैड लेग अगर वर्ड आएगा तो उसका मतलब है कि अफेक्टेड लेग। पेइंग पर्टिकुलर अटेंशन टू, आपने क्या करना है, क्या हिप एबडक्टर्स, एक्सटेंसर्स, नी एक्सटेंसर्स एंड प्लांटर फ्लेक्सर्स, इनको असेस करना है, अगर इनमें स्ट्रेंथ इन्हें जरूरत है कि इनकी स्ट्रेंथनिंग पर काम किया जाए, तो फिर आपने वो करवानी है। पार्शियल वेट बियरिंग, अब क्या है पार्शियल वेट बियरिंग, आपने बोथ लेग्स की मोबिलिटी और स्ट्रेंथ चेक करनी है, ठीक है। नॉन वेट बियरिंग में तो आप चेक कर रहे हैं, सॉरी, अनअफेक्टेड लेग को आप चेक कर रहे हैं, ठीक है। और पार्शियल वेट बियरिंग में, क्योंकि जाहिर बात है दोनों वजन पे आधा आधा वजन जा रहा है, उसमें आपने क्या करना है, स्ट्रेंथ और मोबिलिटी दोनों की आपने चेक करनी है। बैलेंस सिटिंग एंड स्टैंडिंग, बैलेंस दोनों का आपने सिटिंग में भी बैलेंस चेक करना है पेशेंट का, स्टैंडिंग में भी चेक करना है, जाहिर बात है जब बैलेंस अच्छा होगा तो ही क्रच वॉकिंग वो कर सकेगा, ठीक है। सारी दिस ऑल आर प्री रिक्विजिट्स ऑफ क्रच वॉकिंग। प्री रिक्विजिट मीन यानी कि ये चीजें अगर पहले से अच्छी होंगी देन ही क्रच वॉकिंग कर सकेगा।
अच्छा द फिजियोथेरेपिस्ट शुड डिमॉन्स्ट्रेट अप्रोप्रिएट क्रच वॉकिंग टू पेशेंट. ठीक है, अब यह है कि सबसे पहले पेशेंट को तो नहीं पता क्रच पे कैसे वॉक करना है, उसे तो बस यही पता है कि स्टिक्स हैं और ये मेरे हेल्प करेंगे, मुझे हेल्प आउट करेंगे, लेकिन इसे कैसे यूज करना है ये फिजियोथेरेपिस्ट पहले करके बताएगा, गेट पैटर्न बताएगा. इसके आगे गेट पैटर्न है. ठीक है, अब सबसे पहले क्रच वॉकिंग में ड्यूरिंग फर्स्ट टाइम व्हेन द पेशेंट इज टू स्टैंड एंड वॉक द फिजियोथेरेपिस्ट शुड हैव एन असिस्टेंट फॉर सपोर्टिंग द पेशेंट. अब नॉन वेट बेयरिंग के अभी वजन नहीं डला हुआ किसी पर भी, तो द पेशेंट कैसे खड़ा होगा, पेशेंट शुड ऑलवेज स्टैंड विद अ ट्रायंगुलर बेस. अच्छा, ट्रायंगुलर बेस क्या होते मैं आपको बताती हूँ. ट्राइंगुलर बेस ऐसी होगी क्रचेस आइदर इन फ्रंट और बिहाइंड द वेट बियरिंग लेग. के आप वेट जिस पे वजन डाला हुआ है, ठीक है, वो आपकी एक लेग, वो ठीक है सारा वजन फॉर एग्जांपल आपका एक लेग पे डाला हुआ है, और क्रचेस क्या है, ट्रायंगुलर बेस के दो क्रचेस आगे, इस तरह क्रचेस आगे रखे हुए हैं और आपकी जो जिस पे आपने वजन डाला हुआ टांग पे वो पीछे है. ठीक है, वेट बियरिंग लेग या इसी तरह ट्रायंगुलर बेस बन सकती है, या फिर क्रचेस आप दोनों टांगों क्रचेस पीछे हैं और आपकी जो बेस है वो जो आपकी वेट बियरिंग लेग है वो आपकी आगे है. ठीक है, मैं इसकी पिक्चर भी वैसे एक अच्छी सी ढूंढ के मुझे मिली नहीं थी, तो मैं डालूंगी इसकी पिक्चर, दोबारा सर्च करती हूँ. पार्शल वेट बियरिंग क्या है, अब नॉन वेट बियरिंग तो पोजिशन होगी वो, नॉन वेट बियरिंग यानी कि अफेक्टेड लेग पे अभी आपका ठीक है वजन अभी नहीं है, इसके अंदर अफेक्टेड और अनअफेक्टेड की बात नहीं हुई, जनरली ये बात बताई है. फिर पार्शल वेट बियरिंग क्या है, द क्रचेस एंड द अफेक्टेड लेग. पार्शल वेट बियरिंग क्या है, क्रचेस एंड द अफेक्टेड लेग आर टेकन फॉरवर्ड. अब दो क्रचेस और साथ क्या अफेक्टेड लेग, जो आपकी प्रॉब्लमेटिक लेग है वो आप फॉरवर्ड उसे रखेंगे एंड पुट डाउन टुगेदर, और इकट्ठा रखेंगे आगे पार्शल वेट बियरिंग. ठीक है, क्रचेस और जो क्रचेस को आपने आगे उठाया और साथ आपने जो आपकी अफेक्टेड लेग है उसे आगे उठाया और वो आपने रखेंगे, फिर वेट आपने क्या है क्रचेस और अफेक्टेड लेग पे ट्रांसफर करेंगे. सारा का सारा अफेक्टेड लेग पे तो नहीं होगा, उस पर आधा होगा और थोड़ा सा उस पर होगा और बाकी थोड़ा सा क्रचेस के ऊपर होगा, और फिर आप वेल द अनअफेक्टेड लेग इज ब्रॉट थ्रू. मैं आपको इस को ये आप खड़े हो जाएं, ठीक है, फील करें कि आपके हाथ में क्रचेस है और आपने क्या करना है, पहले क्रचेस आगे रखें और क्रचेस और अपनी अफेक्टेड लेग बैड लेग ठीक है इंजर्ड लेग वो आप साथ आगे रखेंगे और फिर आप वजन डालेंगे. वेट इज देन टेकन थ्रू क्रचेस एंड अफेक्टेड लेग, और वो वेट किस पे जा रहा है, अफेक्टेड लेग पे भी जा रहा है और थोड़ा सा अफेक्टेड पे जाएगा, थोड़ा सा किस पे जाएगा क्रचेस पे जाएगा, उन पे डलेगा और फिर आप जो अनअफेक्टेड लेग है आपकी गुड लेग है वो आप आगे करेंगे. ठीक है, ये पार्शल वेट बियरिंग, ये जस्ट एक जनरल बताया हुआ क्रच वॉकिंग कैसे होती है, लेकिन हम आगे इसके बेसिक पैटर्न पढ़ेंगे जिनके थ्रू होती है ये. फोर पॉइंट पैटर्न, टू पॉइंट पैटर्न, थ्री पॉइंट पैटर्न, स्विंग टू गेट, स्विंग थ्रू गेट. आज के लिए मैंने सिर्फ दो पैटर्न डाले हैं फर्स्ट टू, ताकि आपको समझने में आसानी हो, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. ठीक है, फोर पॉइंट पैटर्न क्या है मैं आपको बताती हूँ. फोर पॉइंट पैटर्न ये पैटर्न है कि उसके अंदर क्या है, दोनों लेग्स के अंदर वीकनेस है. ठीक है, पुअर कोऑर्डिनेशन है, पुअर कोऑर्डिनेशन है जाहिर बात है, या पुअर कोऑर्डिनेशन है, सही तरीके से उसकी कोऑर्डिनेशन ही नहीं है तो वो चल नहीं सही तरीके से सकेगा. ठीक है, बोथ लेग्स में वीकनेस है. ठीक है, और क्या है, बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट, नीचे देखिए ब्रैकेट में, बायलेटरल इन्वॉल्वमेंट, पुअर बैलेंस, इनकोऑर्डिनेशन, वीकनेस, एक ही बात है जो मैंने ऊपर की है. और इसमें आप क्या करें, वेट बेयरिंग आप दोनों लेग्स पे करेंगे. ठीक है, वो अब उसका पैटर्न क्या होगा, इस तस्वीर को देखें, इस तस्वीर को देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा, बल्कि ये यहां से समझ, इधर से आपको अगर 60% समझ आ रहा है ना, तो आपने YouTube पे बहुत सारी इसकी वीडियोस होंगी, फोर पॉइंट क्रच गेट, आप फोर पॉइंट क्रच गेट की वीडियो आज ही देखेंगे जब जो ही ये लेक्चर पढ़ेंगे, क्योंकि अब अगर मैं हम लोग फिजिकली प्रेजेंट होते क्लास में तो मैं आपको करके दिखाती और आपको बिल्कुल आसानी से ये चीज़ समझ आ जानी थी, लेकिन अभी क्योंकि हम प्रेजेंट नहीं हैं तो मैं चाह रही हूँ कि मेरे समझाने के साथ साथ जो ही आप वो वीडियो देखें तो आपको समझ आ जाएगी, या मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी खुद YouTube उसका लिंक सेंड कर दूंगी कोई अच्छी सी वीडियो फोर पॉइंट क्रच गेट की. अब इसे देखें, सबसे पहले पढ़ें, आपने क्या करना है, आपने ऑल्टरनेट उठा रहे हैं, कैसे, लेफ्ट क्रच रखेंगे सबसे पहले आगे. ठीक है, लेफ्ट क्रच रखेंगे और साथ क्या, आप लेफ्ट क्रच रख रहे हैं और साथ आप फिर बाद में फुट रख रहे हैं राइट फुट. ठीक है, फिर आप क्या कर रहे हैं, राइट क्रच आगे रख रहे हैं और लेफ्ट फुट साथ रख रहे हैं. ठीक है, फिर रिपीट करना है, फिर लेफ्ट क्रच राइट फुट एंड लेफ्ट फुट.
इस पिक्चर को देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये बंदे की कौन सी है, दूसरी वाली साइड लेफ्ट है, ठीक है, एक साइड आपको पता चल रहा होगा कि कौन सी लेफ्ट है और कौन सी राइट है. अब उसने देखें क्या किया, अगर वो राइट फुट फॉर एग्जाम्पल जो है ये लेफ्ट फुट आगे रख रहा है, ठीक है, इस ये स्टेप वन में इस तरह बंदा खड़ा हुआ है, बिल्कुल अभी वॉकिंग अब उसने स्टार्ट करनी है. सबसे पहले उसने क्या किया है, उसने क्या रखा है, लेफ्ट क्रच. वन मिनट, ओके. अच्छा ये सीक्वेंस में उसने तस्वीर जिस तरह ये लिखा हुआ है ना, लेफ्ट क्रच राइट फुट, राइट क्रच लेफ्ट फुट, ठीक है, ये इस तरह है. लेकिन अब जो पिक्चर में है उसमें उसने क्या कर दिया, चीज वही है कि अगर आपने लेफ्ट क्रच आगे रखेंगे तो फिर राइट फुट बाद में रखना है, फिर आपने क्या करना है, राइट क्रच और फिर लेफ्ट फुट ऐसे रखेंगे. लेकिन इस पिक्चर में वो क्या कर रहा है, इसमें उसने क्या किया, राइट क्रच देखें आगे रखा है. सबसे पहले क्या रखा है, राइट क्रच लेफ्ट फुट, फिर उसके बाद उसने क्या किया है, लेफ्ट क्रच राइट फुट, ठीक है, चीज वही है. वो जस्ट उसने टांग पहले कौन सी उठा ली है, उसने राइट उसने क्रच पहले कौन सा उठा लिया, उसने लेफ्ट क्रच उठा, वो राइट क्रच उठा लिया, ठीक है, समझ आ गई आपको, चीज वही है. सो हम अगर देखें तो क्या है, उसने उठाया पहले, आपने फौरन क्या करना है, अपनी कोई स्टिक, दोनों कोई दोनों घर में कोई स्टिक होगी, आप लोगों के दो स्टिक्स पकड़ने मेरे लेक्चर में, ठीक है. अब आपने स्टिक को क्या करना है, सबसे पहले लेफ्ट क्रच आगे रखते हैं, ठीक है, और फिर आप क्या करेंगे, राइट राइट फुट, ठीक है, फिर आपने क्या करना है, राइट क्रच आगे रखेंगे और फिर लेफ्ट फुट, और यही पैटर्न बन रहा है, ठीक है. ये आपका जो है ये फोर पॉइंट गेट है. अब देखो अगर इस पिक्चर में आप देखें तो एट अ टाइम आपकी क्या हो रही है, इसका ये देखें एडवांटेजेस अगर हम इसके देखें, ये बहुत स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है, और ये सेफेस्ट गेट होती है इसके अंदर, क्योंकि देखें आप चारों आप वीकनेस है आपकी, आप दोनों लिम्स पे वेट डाल रहे हैं, क्रच भी आप इकट्ठे यूज कर रहे हैं, सब पे बराबर बराबर जो है ना आपका वजन जा रहा है, और ये सेफेस्ट गेट है. और ये किन लोगों के लिए होता है, जिनका क्या है बायलेटरल प्रॉब्लम है, ठीक है, आपकी वीकनेस है बोथ एक्सट्रीमिटीज में. एक्सीलेंट स्टेबिलिटी प्रोवाइड्स एक्सीलेंट स्टेबिलिटी एज देर आर ऑलवेज थ्री पॉइंट इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड, ठीक है, हमेशा क्या होते हैं, जैसे थ्री पॉइंट इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड है. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी वो जब अपना वजन जैसे स्टेप टू में देखें आगे ट्रांसफर करने लगा है, ठीक है, अब देखें दोनों क्रचिस और अगली वाली टांग पर जो है वो ठीक है स्टेबल है ग्राउंड के ऊपर, तो ये क्या है थ्री पॉइंट क्या है उसके अंदर इन कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड है इसके अंदर, तो ये सेफेस्ट गेट है. और ये स्लो वॉकिंग स्पीड, लेकिन इसके अंदर जो स्पीड होगी वो वॉकिंग की वो क्या है, वो स्लो होगी. फिर अगर हम नेक्स्ट देखें तो टू पॉइंट क्रच गेट है. टू पॉइंट क्रच गेट क्या है, वीकनेस इन बोथ लेग्स और पुअर कोऑर्डिनेशन, लेकिन इसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, पार्शियल वेट बेयरिंग ऑन बोथ लेग्स है, ठीक है. और टू पॉइंट क्रच गेट, वीकनेस इन बोथ लेग्स और पुअर कोऑर्डिनेशन, लेकिन इसके अंदर आप पार्शियल वेट बेयरिंग अप कर रहे हैं ऑन बोथ लेग्स. तो पैटर्न सीक्वेंस इसका क्या है, अब इसका पैटर्न सीक्वेंस आपने क्या करना है कि देखें उसमें लेफ्ट क्रच और राइट फुट, उसमें पहले आप लेफ्ट क्रच रख रहे थे और फिर राइट फुट रख रहे थे ना, पहले लेफ्ट क्रच राइट फुट फिर राइट क्रच एंड लेफ्ट फुट, इसमें आपने लेफ्ट क्रच राइट फुट इकट्ठा रखना है, उसके बाद स्टिक उठा लें और ये करके देखें, लेफ्ट क्रच एंड राइट फुट टुगेदर, देन राइट क्रच एंड लेफ्ट फुट टुगेदर, इस पिक्चर में देखिए अगर, ठीक है, आपको जो है वो खुद समझ आ जाएगा. वो क्या कर रहे हैं, लेफ्ट क्रच एंड राइट फुट टुगेदर, उसके बाद फिर वो क्या कर रहे हैं, लेफ्ट क्रच एंड राइट फुट टुगेदर, और इसी तरह फिर आपने रिपीट करना है. फास्टर देन फोर जॉइंट है, ठीक है, जो बेहतर है जरा, जिनके पार्शियल वेट बेयरिंग जो कर सकते हैं, ठीक है, वो जारी बात है वही टू पॉइंट गेट कर सकेंगे ना. डिसएडवांटेजेस क्या है, कैन बी डिफिकल्ट, थोड़ा सा पैटर्न समझने में मसला हो जाता है, और इसके अंदर क्या है, बैलेंस ज्यादा रिक्वायर्ड है, ठीक है, जिनकी जो जरा बेहतर होंगे, ठीक है, जारी बात है फोर पॉइंट गेट है, जिन्हें ज्यादा स्टेबिलिटी की जरूरत है, जिनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ज्यादा है, और फिर टू पॉइंट क्या है, जरा थोड़ा सा जिनके स्टेबिलिटी जिनकी अच्छी है, जारी बात है, वही ये वाली टू पॉइंट गेट कर सकेंगे. So this is all about today's lecture.